हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स कब होता है, मतलब हम उस किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम फंक्शन समझ लेंगे तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ पाएंगे। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे एक सेट ए है और ये सेट बी है, तो फंक्शन कब होगा, एफ एक्स टू वाई, एक्स टेंस टू वाई, कब ऐसा होगा, या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप का एक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का एक फंक्शन है, तो फंक्शन कब होता है। देखिए, फंक्शन वाली केसेस में सेट ए के सभी एलिमेंट का जो इमेज बनना चाहिए सेट बी पे, ठीक है, और वो इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या है, वन एंड ऑनली वन इमेज होना चाहिए। अगर ऐसी केसेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इस टाइप का देखें, जैसे 1 2 3 और यहां पे है अल्फा बीटा गामा, तो कुछ इस टाइप का इमेज बना हुआ है, तो ये फंक्शन कौन सा है, वन वन फंक्शन। और एक टाइप ऑफ फंक्शन आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 है, यहाँ अल्फा बीटा है, 1 का इमेज अल्फा पे, 2 का, 3 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। चलिए, तो हमें बस फंक्शन से मतलब, फंक्शंस कब होगा कि जब कुछ इस टाइप का हो, समझिएगा ऐसा, ये वाली केसेस होगा तो भी वो फंक्शन होगा। ये किसके केसेस है, मेनी वन का। देखिए, एक से ज्यादा इमेज का एक ही फंक्शन पे, देखिए एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। या ऐसा हो, इसको क्या कहते हैं, मतलब वन वन इमेज, मतलब एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, और ये किसको शो करेगा, मेनी वन फंक्शन को। लेकिन अगर ऐसा केसेस रहेगा तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ इस टाइप का है, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, 1 का बीटा से 1 का अल्फा से, देखिए कुछ इस टाइप का, ये ऐसा है ना, ये एक ही फंक्शन का एक से ज्यादा इमेज बन जाएगा, तो ऐसे फंक्शन, मतलब एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन जाएगा, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे ग्रुप को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला केसेस फंक्शन का नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग को फंक्शन क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, हमने किसको समझा, फंक्शन को, अब हम बात कर रहे हैं किसको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। देखिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं, एक है साइन एक्स, कॉस, टैन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट क्या हो गया, कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब अगर हम साइन एक्स को समझें, एक फंक्शन को लेते हैं और उसको हम ब्रीफली समझते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये चीज आपको क्लास इलेवेंथ की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पढ़ाया जा चुका है। अब क्लास प्लेलिस्ट में जाके क्लास इलेवेंथ की वीडियो में, ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो ग्राफ पढ़ाए हैं हम, उसको आप एक बार क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने से पहले क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से, उसके ग्राफ को अच्छे से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स वाली केसेस से समझने से पहले क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ था वो अच्छे से पढ़ लिया। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो ये वाली केसेस हो गई, यहां से हम ग्राफ बना देते हैं ऐसे, ऐसे नेगेटिव साइड भी आएगा ये, ठीक है, ऐसे हो गया।
प्रॉपर ग्राफ नहीं बना लेकिन फिर भी आप इसको मान लीजिएगा, चलो मान लेते हैं ये होगा जीरो, ये हमको कितना मिलेगा पाई बाई टू, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला पाई, ये है थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे मिलेगा टू पाई, ये हमें कितना मिलेगा फाइव पाई बाई टू, ये हमको क्या देगा थ्री पाई, इस साइड में आएंगे तो ये माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यानी साइन एक्स वाली केसेस में हम इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या फाइंड करने वाले हैं, इनवर्स। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब फंक्शन कैसा हो बाइजेक्टिव, फंक्शन कैसा हो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो, फंक्शन वन वन की क्राइटेरिया को भी फॉलो करे और फंक्शन ऑन टू के भी क्राइटेरिया को फॉलो करे। कोई भी फंक्शन अगर वन वन को भी फॉलो कर रहा है, ऑन टू को भी फॉलो कर रहा है, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन का इन्वर्ट उसको हम उसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है, उसका क्या पॉसिबल है इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल पॉसिबल है तो हम उस फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन कैसा होगा बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो क्या साइन एक्स जो फंक्शन है जिसके बारे में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, साइन कॉस टेन से कॉस एक्स से कॉट, क्या साइन एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव है? अगर ये बाइजेक्टिव होगा तभी तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन एक्स वाली केसेस में इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, माइनस वन टू वन। समझ रहे ना, साइन एक्स देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना अटेंड कर रहा है, अपर साइड में वन और लोअर साइड में कितना माइनस वन, ये है वन और ये किसको शो कर रहा है माइनस वन को। तो चाहे हम साइन एक्स का कितना भी बड़ा ग्राफ बना ले हमेशा माइनस वन से वन के बीच में रहेगा। और साइन एक्स वाली केसेस में एक्स की वैल्यू जो इनपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर। ये किसके लिए है, साइन एक्स के लिए, यानी साइन एक्स का जो डोमेन है वो आर है और रेंज हमको कितना मिल गया माइनस वन टू वन मिल गया। तो आइए हम देखते हैं साइन एक्स जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्शन वाली केसेस में क्या होना चाहिए, वो वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो साइन एक्स वन वन है या नहीं है, जब साइन एक्स वाली केसेस में देखिए तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू हमको कितना मिलेगा वन, साइन फाइव बाई टू की वैल्यू भी कितना मिलेगा वन, और यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू भी कितना मिलेगा वन। तो अब समझिएगा, देखिए ग्राफ हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, हमारे पास तीन वैल्यू हो गया, एक हो गया माइनस थ्री पाई बाई टू, एक यहाँ से मिल गया पाई बाई टू और एक यहां से मिल गया फाइव पाई बाई टू, और साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है वन, पाई बाई टू की वैल्यू कितना मिल रहा है वन, और फाइव पाई बाई टू की वैल्यू भी कितना मिल रहा है वन मिल रहा है। तो फंक्शन कैसा है साइन का, फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। यानी जो साइन एक्स है ये वन वन की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मेनी वन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अच्छा, वन वन कब होता है उसका फंक्शन का, कैसे हम प्रूफ करते हैं कि वन वन हो, देखिए इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट है, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, बट एक्स वन डज नॉट, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये केसेस मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन। लेकिन इसमें देखिए कि एफ पाई बाई टू एंड थ्री थ्री नहीं फाइव पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, ये देखिए पाई बाई टू ये है और फाइव पाई बाई टू ये है, फाइव बाई टू बिलोंग टू आर, ये रिलेशन के पार्ट है या रियल नंबर है, देखिए ये सारे रियल नंबर है। अब अगर हम इसको एफ पाई बाई टू फाइंड करें, एफ पाई बाई टू की वैल्यू एफ फाइव पाई बाई टू के इक्वल भी होता है, देखिए ये वाली केसेस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है वन और एफ फाइव पाई बाई टू की वैल्यू भी कितनी है वन है, लेकिन बट एफ पाई बाई टू डज नॉट इक्वल टू फाइव पाई बाई टू,
ये आपस में इक्वल नहीं है, जबकि ये इक्वल होता तो वन वन होता। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। लेकिन ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, जो ये क्राइटेरिया है ये फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए पाई बाई टू डज नॉट इक्वल टू फाइव पाई बाई टू आ रहा, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन वन वन नहीं है। तो मैंने आपको ग्राफ से भी दिखा दिया और एंगल लेके भी दिखा दिया कि फंक्शन वन वन नहीं है। तो अब इसको इरेज करते हैं, फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। और क्या फंक्शन ऑन टू है? देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब उसका को डोमेन किसके इक्वल हो जाए, रेंज के। को डोमेन किसके इक्वल हो जाए, रेंज के, यानी रेंज और को डोमेन इक्वल हो। इसका मतलब है कि आप चाहे यहां इधर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, उधर क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, इनके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, सबका आपको प्री इमेज मिलेगा। बात समझिएगा, जैसे इधर हम एंगल ले रहे हैं उधर वैल्यू रख रहे हैं, तो इस ग्राफ में माइनस वन से लेके वन के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसका आपको एंगल जरूर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। माइनस वन से वन, देखिए अपर लिमिट क्या है वन और लोअर लिमिट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन से वन के बीच में आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर, सबका आपको प्री इमेज मिल जाएगा। प्री इमेज का मतलब सबका एंगल मिल जाएगा। तो अगर ऐसी केसेस होगा तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई कि साइन एक्स जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इस फंक्शन का इन्वर्टिबल, मतलब इसको इन्वर्टिबल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और जब फंक्शन का इन्वर्टिबल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो ये भी कंफर्म है कि फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि हमको फंक्शन दिया था कि जो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स से कॉस एक्स से कॉट एक्स, इसका हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो साइन एक्स का हमने ग्राफ बना के ये देखा कि साइन एक्स बाइजेक्टिव ही नहीं है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हमको तो पढ़ना है भाई, हमको तो पढ़ना है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाना है। तो इनवर्स कब होगा, ये साइन इनवर्स कब होगा, तो देखिए जरा, अगर हम इस ग्राफ में इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, सारी चीजें इरेज करते हैं, ये ग्राफ ही इरेज करते हैं, फिर से समझते हैं हम लोग ना कि ये इनवर्टिबल कब होगा, कब ये बाइजेक्टिव होगा। तो इसके वाले केसेस के लिए हम लोग फिर से साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं और प्रॉपरली समझेंगे। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो कहाँ से कहाँ, तो माइनस वन से वन तक क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल ये होता है। अब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, एकदम आराम से इसको समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ये यहां तक हो गया, इस साइड भी बना देते हैं हम लोग इसका ग्राफ ऐसे, चलिए हो गया, वैल्यू रख देते हैं। ये हमको कितना देगा, जीरो। ये वाली केसेस कब देगा, पाई बाई टू पे अपर आता है, ये हमें कब देगा, पाई पे, ये कब हमको मिलेगा, थ्री पाई बाई टू पे, ये हमको कब मिलेगा, टू पाई पे, यहां पे हमको कब मिलेगा, देखिए थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू पे, और ये हमको कब देगा, थ्री पाई पे, इस साइड आइए, तो ये हमें मिलेगा माइनस पाई बाई टू पे, ये हमें मिलेगा माइनस पाई पे, माइनस थ्री पाई बाई टू पे, और माइनस टू पाई पे, ये मिल गया। और ये ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे आगे साइन का ग्राफ चलता रहेगा, इधर भी साइन का ग्राफ क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। हमें ये देखना है कि इसका इनवर्स निकालना, और अभी हम लोग पढ़े कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है साइन का, क्यों, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम इस साइन एक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस वाले केसेस में हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, इस रियल नंबर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी साइन एक्स पूरे रियल नंबर में इनवर्स इन्वर्टिबल नहीं देगा, वन वन और ऑन टू नहीं देगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्ट, कुछ फिक्स्ड डोमेन में वो हमको क्या देगा, वन वन भी देगा और ऑन टू भी देगा। जैसे देखिए
अगर हम इसको माइनस पाई बाई टू से, देखिए यहाँ ये क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बारे में बात करें, समझिएगा ये क्या है हमारा पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बारे में बात करें तो फंक्शन हमें वन वन भी देगा और ऑन टू भी देगा। फंक्शन क्या होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। कब, जब हम डोमेन कितना रख रहे हैं, कितना था रियल नंबर, रियल नंबर ना रख के कहां से कहां तक रख रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। इस केसेस में देखिए इसको हम ऐसे भी ग्राफ समझिएगा, हम इसकी देखते हैं ये वाला, ये क्या है पाई बाई टू, पाई बाई टू वैल्यू कितनी है वन। तो देखिए यहां जीरो पे, जीरो से पाई बाई टू के बीच में आप कोई भी नंबर रखिए, हर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट आपको इमेज मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वन वन फंक्शन। ऐसा कब होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिले। अब देखिए यहां पे जीरो मिल रहा है, जब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा हर डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट इमेज मिलेगा, जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच, जीरो 30 45 60 90। तो अब कोई भी नंबर ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 0 30, 0 1 2 3 4, कोई भी एंगल लेंगे, उस एंगल की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। यानी डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट इमेज मिल रहा है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा ये वाला केसेस, कुछ हम इस टाइप का ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू और वैल्यू कितनी देगी, माइनस वन। देखिए माइनस वन से लेके जीरो तक के बीच में, यानी जीरो से माइनस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू से लेके जीरो के बीच में हर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे हमको इमेज क्या मिल रहा है, इमेज मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, अगर हम यहाँ से आते देखिए, देखिए हर एक वैल्यू पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम कितना तक आएगी, जीरो तक, और यहाँ से जीरो से बढ़ती 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 कहाँ तक जाएगी, वन तक। ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा कितना, माइनस वन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम साइन एक्स के डोमेन, जो रियल नंबर है उसके डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बांध रहे हैं फिक्स्ड छोटे छोटे इंटरवल में, उसको क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो फंक्शन हमको वन वन भी दे रहा है और ऑन टू भी दे रहा है, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इस डोमेन में फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होगा मतलब उसका इन्वर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस डोमेन में अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज वाली केसेस, रेंज तो वही है माइनस वन से वन तक। देखिए ये किसके लिए है, साइन एक्स के लिए, मैं आपको समझा रहा हूं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स किस डोमेन में पॉसिबल है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। रेंज तो हमेशा फिक्स है भाई, रेंज चाहे हम छोटा सा इंटरवल चाहे बड़ा सा इंटरवल ले, रेंज हमेशा कहा है माइनस वन से लेके वन तक है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रेंज क्या है, माइनस वन से वन है। और इस डोमेन में इस साइन एक्स कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन और पढ़ना है तो आप फंक्शन वाले वीडियो में जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। खैर मैंने आपको सारी चीजों को समझा ही दिया कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर, केवल एक माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही हम साइन का केवल इनवर्स निकाल सकते हैं और कोई डोमेन नहीं है? नहीं, ऐसे छोटे छोटे इंटरवल कितने, इनफाइनाइट टाइप के होंगे, जैसे हम आपको और दिखाते हैं। अगर आप माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक, 3π/2 के बीच में बात करें, यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक, ये वाली केसेस में माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू से लेकर कहां तक, 3π/2 तक देखेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, 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 मतलब माइनस सॉरी वन से लेकर कहां तक, माइनस वन वाली केसेस तक। तब भी यानी कौन सा इंटरवल है, मैं एक इंटरवल और लिख दे रहा हूं आपके सामने, पाई बाई टू से लेकर कहां तक, 3π/2 तक। इस डोमेन में भी साइन एक्स क्या देगा, इन्वर्टिबल देगा, यानी इस डोमेन में भी साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल है। अच्छा और कौन सा होगा, देखिए ये 3π/2 से लेकर 5π/2 तक, 3π/2 से लेकर कहां तक, 5π/2 तक। देखिए ये वाला ग्राफ, ये चीज, ये भी हमको क्या देगा, इन्वर्टिबल देगा, और इन्वर्टिबल देगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर हम इधर आए,
तो यहां से देखिए माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक, माइनस थ्री पाई बाई टू तक, यहां से यहां तक, यानी ये एक और इंटरवल हमको मिल गया। इधर ही लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहां पे माइनस पाई बाई टू से लेकर थ्री, माइनस थ्री पाई बाई टू तक, इस सम भी इंटरवल में ऐसे कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेगा। इन सभी इंटरवल में साइन एक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है मतलब उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या। लेकिन अगर हम जीरो से पाई के बीच में देखें, तब जीरो से पाई के बीच में, तो देखिए जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है, यहाँ वन वन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है, एक एक लाइन खींचे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा, और लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो एक डिफरेंट एंगल से आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो एक डिफरेंट एंगल से आएगा। मतलब दो अलग अलग एंगल है लेकिन वैल्यू सेम है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन हो गया। मतलब जीरो से पाई, पाई से टू पाई, टू पाई से थ्री पाई, या जीरो से माइनस पाई, माइनस पाई से टू पाई के बीच में हम साइन एक्स का इन्वर्टिबल नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अभी हम कुछ देर पहले जब बोले रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, तो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। तो जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, फिक्स्ड कर दिए कि इस डोमेन के बारे में बस हम बात करेंगे, तो उस फिक्स्ड डोमेन में फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स क्या हो रहा है, फाइंड हो पा रहा है। तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स फाइंड हो पा रहा है तो कैसे फाइंड होगा, देखिएगा जरा, हम इसको रेज करते हैं सारी चीजें। ये चीज आपको समझ में आई गई है, ये केसेस अब इसको हम हटा देते हैं। देखिएगा साइन एक्स का डोमेन क्या था, साइन एक्स वाला डोमेन था रियल नंबर, डोमेन क्या था और रेंज क्या था, माइनस वन टू वन। इस पे साइन एक्स पे क्या फंक्शन था हमारा, हमारा इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे हमने साइन एक्स का डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रख दिया। अच्छा एक और चीज कि ये जो अभी हमने ढेर सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रखे थे उन सब में पॉसिबल था, तो हम क्यों हमेशा यही लेते हैं, ऐसा भी तो आप पूछ सकते हो, सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, या माइनस पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू, सब पे साइन क्या है, इनवर्सिव, साइन इन्वर्टिबल है, मतलब वन वन भी और वन टू भी है, तो उस पे तो हमारा इन्वर्स पॉसिबल है, तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं। हमेशा बुक में यही क्यों लिखा रहता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही क्यों लिखा रहता है। देखिए अब सबको तो लेके चला नहीं जा सकता, उसमें से किसी एक को फिक्स करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो है कितना, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू वाला ही डोमेन है, इसी डोमेन को लेते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन मतलब और भी डोमेन है उस पर भी क्वेश्चन, मतलब इनवर्स फाइंड हो पाएगा, लेकिन जो बुक, देखिए अब क्या है कि जब बुक, जब इस चैप्टर को बनाया गया तो बहुत सारे कंडीशन पे बहुत सारे डोमेन मिले, तो सारे डोमेन को लेकर अगर हम बनाएंगे तो हर क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी, सब पे चेंज होगा, तो इतना ब्रीफली पढ़ पाना थोड़ा सा टफ है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एनसीईआरटी में एक ही चीज़ पे फिक्स कर दिया, कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही, यानी इसी इंटरवल के बीच में हम लोग पूरे साइन एक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। चलिए ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब हम साइन एक्स वाली कंडीशन में देखिए क्या था, वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, और एक्स बिलोंग्स टू क्या था, आर, एंड रेंज कितना है, माइनस वन टू वन है, ये था। लेकिन जब हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं तो उस वाले केसेस में ये क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है डोमेन, और रेंज कितना है, माइनस वन से लेके वन तक है। लेकिन जब हम इसको इनवर्स में बदलेंगे, देखिए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। अब इस केसेस में यहाँ पे एक्स, देखिए ये वाली केसेस, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और रेंज हमको कितना, माइनस वन टू वन मिल रहा है। अब इस केसेस में ये उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा जो डोमेन हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू क्या होगा, माइनस वन टू वन, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में इन्वर्टिबल तभी पॉसिबल था जब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और उसकी वैल्यू क्या मिल रहा था, माइनस वन से वन, यानी ये हमारा डोमेन और रेंज रेंज हो गया। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x, यानी x किसको बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा माइनस वन से लेके वन तक, ठीक है, यानी
एक्स की वैल्यू हमको क्या आएगा माइनस वन टू वन वाली केसेस में, और इसका रेंज क्या माइनस पाई बाई टू, यानी ये जो वाई है ये माइनस पाई बाई टू से पाई तक है, तब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमको कितना मिलेगा भाई, चाहे वाई की कोई भी वैल्यू रख दो हमेशा सॉल्व करने पर, ये साइन वाला केसेस है तो साइन हमेशा क्या देता है माइनस वन से वन तक देता है, तो यही वाली केसेस है भाई, इसकी वैल्यू माइनस वन से वन तक ही आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू हम कोई भी नहीं रखेंगे, कौन सा रखेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही रख सकते हैं, तभी तो हमको वन वन एंड वन टू मिलेगा। तो इसी तरीके से हम साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट सबके ग्राफ बना के हम उसका क्या डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ इसको आप ऐसे समझ लीजिए ना, देखिए फंक्शन x टेंस टू y, इसका मतलब क्या है कि fx इज इक्वल टू y है, तो ये बाइजेक्टिव होगा, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ जी वाई टेंस टू x, मतलब जी वाई इज इक्वल टू x का हो, यानी कोडोमेन क्या हो जाए रेंज हो जाए, तो हम जी को क्या बोलेंगे, जी इज कॉल्ड एफ इनवर्स, जी को हम लोग क्या बोलेंगे एफ इनवर्स, सेम यही चीज मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए तो ये था साइन का ग्राफ कि साइन कब किस कंडीशन पे ये अपना इनवर्स देगा, जल्दी से आप इसे नोट करिए। सेकंड पढ़ते हैं कॉस एक्स, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग लगा लीजिए डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज एक बार हम लोग लिख लेते हैं, वैसे ये 11th में पढ़ाया जा चुका है ना, एक बार हम लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे। देखिए साइन एक्स वाली केसेस में साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, होता है आर, और इसका रेंज क्या होता है माइनस वन से वन तक, क्लियर हो गया साइन एक्स का, ये चीज हम लोग लिख रहे हैं डोमेन, ये क्या है हमारा डोमेन और ये क्या है रेंज, तो साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया आर और रेंज क्या हो गया माइनस वन टू वन। कॉस एक्स वाली केसेस में आइए, कॉस एक्स का डोमेन भी देखिए होती है रियल नंबर और रेंज होता है सेम माइनस वन से वन तक। टैन एक्स में आइए, अब देखिए टैन एक्स कैसे होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी cos x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम करेंगे क्या रियल नंबर में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक, और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या है z है, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज हो जाएगा r, ठीक है। tan x का ग्राफ याद है ना, ये वाली केसेस में ये ऐसे और ये ऐसे बनता है, यहाँ एसम टोर्स हो जाता है पाई बाई टू के पास में, यहाँ माइनस पाई बाई एसम टोर्स हो जाता है माइनस पाई बाई टू के पास में, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ होता है, मतलब पूरा रियल नंबर कुछ भी मिल सकता है, रेंज हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये साइन कॉस टेन हो गया। कॉटेक्स आइए, कॉटेक्स का डोमेन देखिए, कॉटेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो साइन एक्स जीरो किस पे होता है एन पाई पे, तो एन पाई हटा देंगे तो आर माइनस एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड, रेंज हमारा क्या होगा रियल नंबर। तो साइन डोमेन आर माइनस वन टू वन, आर माइनस वन टू वन, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, रेंज क्या हो गया आर, आर माइनस एन पाई, रेंज क्या हो गया आर। अब हमारे पास क्या बचा साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉसिक कॉसिक एक्स, अब देखिए कॉसिक एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं जो समझिएगा, कॉसिक एक्स को हम लोग वन बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, और मतलब साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या जीरो, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई, और सेक एक्स वाली केसेस को हम क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स, यानी cos x does not equal to क्या जीरो, तो cos x does not equal to जीरो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो आप देख रहे हैं tan x और sec x का डोमेन सेम है, cot x और cosec x का डोमेन क्या है सेम है, sin x और cos x का डोमेन क्या है सेम है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, तो इसका रेंज और इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा r माइनस माइनस वन टू वन को हटा देंगे,
और इसमें भी आर माइनस माइनस वन टू वन को हटा देंगे। तो ये टॉपिक था डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप क्लास 11 में पढ़े तो एक बार आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कॉस एक्स वाले फंक्शन का कि कॉस एक्स फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और उसका डोमेन और रेंज क्या आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉस एक्स यानी वाई इज इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। तो इस कॉस एक्स वाली कंडीशन में इसका डोमेन क्या था, रियल नंबर, और रेंज क्या था, माइनस वन से लेके वन तक। अब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कॉस एक्स का। ये हो गया, ये है वन और ये है माइनस वन, कुछ इस टाइप का आएगा ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। सेम इधर भी ये कुछ इस टाइप का आएगा ऐसे, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, जीरो पे कितना होता है वन, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू पे कितना मिलेगा जीरो, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, ये हो जाएगा टू पाई, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा कितना हमको फाइव पाई बाई टू। इधर चलिए ये है जीरो, इस वाले केसेस में यहाँ हमको क्या मिलेगा माइनस पाई बाई टू, ये हमको देगा माइनस पाई, ये जो देगा वो माइनस थ्री पाई बाई टू देगा, ठीक, यहाँ पे देगा माइनस टू पाई और यहाँ पे माइनस फाइव पाई बाई टू देगा। तो ये है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, क्लियर हो गया आपको, ये ग्राफ आप इलेवेंथ में भी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब हम कॉस एक्स के, पहली बात तो कॉस एक्स वाले केसेस में कॉस एक्स भी हमारा डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं फॉलो कर पाएगा, मतलब ये वन वन और वन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, जबकि इनका एंगल अलग अलग है, यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा भाई ये जीरो से इधर है, और ये पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल है, लेकिन देखिए वैल्यू जो वाली केसेस में वैल्यू सेम है, या अगर आप पॉजिटिव इधर नहीं समझ पा रहे तो पॉजिटिव की तरफ बढ़िए, देखिए ये यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है, वही यहाँ पे वैल्यू है, तो और एंगल अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा एंगल मिलेगा, और यहाँ से 5 पाई बाई 2 से कम लेकिन 2 पाई से ज़्यादा एंगल मिलेगा, यहाँ 0 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल मिलेगा, लेकिन वैल्यू सबका सेम है। या दूसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पे कितना है, 0 पे कितना है 1 है, 2 पाई पे भी कितना है 1 है, माइनस 2 पाई पे भी कितना है 1 है। तो एक से देखिए अब इसको ऐसे समझिएगा कि 0 पे कितना है और 2 पाई पे कितना है और माइनस 2 पाई पे कितना है, इन सभी वाली केसेस में वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, और अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो ये बाइसेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 तो है तो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तो हम 1 1 बनाएंगे। तो आपको बताया था कि हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, इसके डोमेन को फिक्स करेंगे, तो इसमें जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो है जीरो से पाई, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई तक लिया गया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन, कहां से कहां तक, जीरो से पाई। देखिए ये वाला ग्राफ समझिएगा, ये जीरो से पाई, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं और ताकि आपको समझ में आए, तो ये लाइन खींच दे रहे हैं इधर ऐसे, ये लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, मतलब ये वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बारे में जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या है जीरो, इसके बाद क्या है ये पाई बाई टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पाई, तो देखिए जीरो पे हमको वैल्यू कितना दे रहा है वन, पाई बाई टू पे हमको कितना दे रहा है जीरो, पाई पे ये पाई है, पाई पे हमको कितना मिल रहा है माइनस वन, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, और ऑन टू तो है ही, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। अगर फंक्शन वन वन है, अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब है कि इस रिस्ट्रिक्ट डोमेन पे, कंडीशन वाला जो डोमेन हमने लिया है, कहां से कहां तक, ये सॉरी इसको मिटा के दिए जी, यहां से यहां तक,
मतलब जो cos x वाली कंडीशन है ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डोमेन 0 से पाई होगा, और रेंज हमको कितना मिल रहा है सेम -1 से 1। देखिए ये 1 है और ये कितना है -1, ये वैल्यू कितना है -1 और ये वैल्यू कितना है 1। तो sin x वाले में -π/2 से π/2 तक था उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन cos x में 0 to π है। तो आप बोलोगे क्यों सर 0 to π हो सकता है जैसे sin x में था? नहीं, यहाँ से देखिए पाई से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक 2π तक, पाई से 2π के बीच में भी cos x क्या है इन्वर्टिबल है। cos x कैसा है इन्वर्टिबल है, ठीक है, मतलब इसमें भी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन। ये हमारा क्या कहलाएगा प्रिंसिपल डोमेन, ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन है। अच्छा अब ऐसे समझिए y इज इक्वल टू cos x है तो cos इनवर्स y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा x, y इज इक्वल टू क्या है cos x है तो cos इनवर्स y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा x मिलेगा। अब cos इनवर्स y इज इक्वल टू x वाली केसेस में यहां पे तो x cos x में x बिलोंग्स टू 0 टू पाई था, 0 टू पाई हमने डोमेन लिया तो हमको रेंज मिल गया -1 to 1, लेकिन cos इनवर्स वाले कंडीशन में ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 to 1, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा 0 to π, ये हमको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स x का। तो y इज इक्वल टू tan x है और x का डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो डोमेन होता है वो था r माइनस, पता है ना इसको हम sin x बाई क्या रख सकते हैं cos x, यानी cos x डज नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है 2n+1π/2 पे, तो ये रियल नंबर में से हटा देंगे तो 2n+1π/2 ये हो जाएगा हमारा डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या होगा इसका, तो इसका रेंज हमको कितना मिल रहा था रियल नंबर, देखिए इसका रेंज हमको क्या मिल रहा है रियल नंबर, अभी आपको समझ में आएगा जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं tan x वाला केसेस का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पाई बाई टू और इधर हो गया -π/2। तो ये देखिए ग्राफ, अब पाई बाई टू पे हम एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, -π/2 पे भी हम एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे, इसको एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है, -π/2 है। देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ये ऐसे लगेगा कि टच होगा, टच होगा नहीं, वो ऐसा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा पाई, फिर 3π/2, इधर भी हमको क्या मिलेगा -π -3π/2। अगर हम पाई से ग्राफ दो तो 3π/2 पे ऐसे हम टोर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा ये, और इधर हमको ऐसे मिलेगा ये। तो tan x वाली केसेस में ये भी क्या है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी होगा जब ये 1-1 होगा और ऑन टू होगा। तो पहली बात तो ये अपने पूरे डोमेन में ये 1-1 ऑन टू नहीं है, इसके डोमेन को हम लोग क्या करेंगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और डोमेन कहां से कहां तक लेने वाले हैं हम लोग -π/2 से लेके π/2 तक लेने वाले हैं, ये वाली केसेस। ये देखिए अगर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी है, यहां से बढ़ते 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 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि सब के सेम आ रहा है, ये हो गया यहां पे 0 हो गया, अब निगेटिव से पहले आया 0 तक और फिर 0 से कहां तक चला गया प्लस इन्फिनिटी तक, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ ना कि एक से ज्यादा वैल्यू पे सेम इमेज मिली, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिला है। तो इसका जो डोमेन हम लेने वाले हैं y इज इक्वल टू tan x वाली केसेस में, तो हम x बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक लेने वाले हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक लेने वाले हैं, और रेंज हमको क्या मिलेगा रियल नंबर। रेंज में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, हम डोमेन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो डोमेन जो r -2n+1π/2 मतलब पूरा था उसको हमने क्या कर दिया केवल -π/2 से कहां तक कर दिया π/2। अब यहां से यहां तक लेंगे तो देखिए नहीं होगा, यहां से यहां तक लेंगे तो नहीं होगा, यहां से यहां तक लेंगे नहीं होगा, लेकिन यहां से यहां तक लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 1-1 भी मिल जाएगा और ऑन टू भी मिल जाएगा, तो हमारा डोमेन हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक, और रेंज क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू tan x है तो इसको हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मिलेगा x।
अब इस केसेस में x बिलोंग करेगा r को और रेंज हमारा क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा ये ओपन इंटरवल होगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये इंटरवल कैसा होगा ओपन इंटरवल होगा, तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था tan इनवर्स का, ठीक है। तो साइन का आपने पढ़ा, cos का पढ़ा, tan का पढ़ा, अब हमारे पास क्या बच गया cosec का, sec का और cot का। देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने साइन cos tan का पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हम लोग cosec sec cot का और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या करेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इतना हम लोग उसमें कवर करेंगे और ये दो वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इसके, देखिए ये 2.1 और 2.2 केवल दो एक्सरसाइज हैं, इसके बाद है मिसलेनियस, तो एक वीडियो लेक्चर में हम इसके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और एक वीडियो लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज cosec sec cot को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप आराम से उसको क्या करेंगे देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर में तीन वीडियो आपको मिलेगा, पार्ट वन ये था, पार्ट टू में आपको cosec sec cot और इसकी प्रॉपर्टीज को मिलेगा और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी यानी तीन पार्ट में हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे और ये हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का, 2 या 4 मार्क्स का आएगा। कहने का मतलब है कि ये आपको भाई बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको 100 नंबर जिसको लाना है भाई, अगर 2 नंबर भी कम हो गया तो 98 हो गया, 4 नंबर कम हो गया तो 96 हो गया, वो 100 लाने में बाधा बन सकता है, ठीक है, रोड़ा अटका सकता है। इसलिए इसको हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि ये दिक्कत ना हो और हम अपने 100 नंबर के टारगेट को क्या करेंगे अचीव करेंगे। चलिए, थैंक यू।